बाड़मेर जिले के धुरिमन्ना थाना क्षेत्र में दो नाबालिग किशोरियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग किशोरियों के चिल्लाने पर जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर मौके से फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम में सामने आने के बाद धुरिमन्ना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया, लेकिन उसके दो सहयोगी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में नाबालिग किशोरियों और उनके परिजनों ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बाड़मेर जिले के धुरिमन्ना थाना क्षेत्र में दो नाबालिग किशोरियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग किशोरियों के चिल्लाने पर जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें पिस्टल दिखाकर मौके से फरार हो गए। 9 मई की मध्यरात्रि को घटी तो इस घटना से धुरिमन्ना क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ धुरिमन्ना थाने में मामला दर्ज करवाया। पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद धुरिमन्ना पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया, लेकिन उसके दो सहयोगी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में नाबालिग किशोरियों और उनके परिजनों ने सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे ज्ञापन में नाबालिग किशोरियों और उसके नाना ने बताया कि 9 मई की मध्यरात्रि परिवार के सदस्य घर के बाहर सो रहे थे और उसकी दो दोहितियां घर में ही सो रही थी। इस दौरान मीठड़ा खुर्द निवासी सुरेश पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी हिरकन का थान लोलों की बेरी निवासी पुखराज और जूंजाराम घर के पीछे की ओर से अनाधिकृत रूप से दाखिल हुए और आरोपियों ने उनकी दोहितियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी पिस्टल दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। सुरेश जूंजा और पुखराज तीन आया अचानक सड़ी मुंह मत बंद किए लारे होंगे हो गए बैठ गोली घेरे होगा होंगे हो गए गोली ठोक देंगे मैं लारे के कोने पे लारे जूंजो और पुखराज दो दो रिंदा कार्रवाई हुई कार्रवाई एक ने पकड़ लियो आज से कटे आया क्या कहना है आज मैं 166 का बयान कराऊंगा आया सुरेश पुखराज जूंजरा मैं टाणी आया मेरा जबरदस्ती की बस मैं जबरदस्ती की जिंद बस मैं नानी नानी ए उन होता नहीं सा जिंद होता न बस मैं रेड करी बड़ मेरे बे रेड करी मेरे नानी नानी आ गया मैं भी गेंडू के उन्नी सी पुखराज जूंजरा दोनों उबा वे दोनों गयो गोल ठोक दा नहीं ना इन छोड़ दो रात की मैं दोनों कहने हुई थी ना सुरेश आयो इन आग उड़ मज मत बह गयो जाते तो मुझा ही फोन पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना है कि पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 458, 354, 354 बी, 384, 768 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों नाबालिग किशोरियों के 164 के बयान करवाकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। शेष दो आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके घर पे उसकी पत्नी और उसकी दो नाबालिग पोतियां घर पे थी, पुत्र कहीं बाहर था, तब तीन व्यक्ति उसके घर पर आए और उन्होंने मारपीट और बच्चों के साथ जो है छेड़छाड़ टाइप किया। इसमें हमने पॉक्सो एक्ट और 354 जो IPC की धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। बच्चों लड़कियों के 164 के बयान हुए हैं जिनकी कॉपी अभी नहीं मिली है, वो कॉपी मिल जाए और आगे तफ्तीश करके जो शेष आरोपी उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। सर उनका कहना है कि जो दो लड़के थे उन्होंने बंदूक या ऐसा कोई हथियार भी दिखाए थे, ऐसी कोई बात सामने आई? नहीं, ऐसी बात FIR में तो कंटेंट में नहीं थी, और अगर अब 164 में कुछ होता है इस तरह का तफ्तीश में आता है तो उस बाबत भी अनुसंधान कर लेंगे। गौरतलब है कि घटना को दो हफ्ते बीतने को आए हैं और अभी भी दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं आरोपियों के पास अवैध हथियार होने से भी पीड़ित परिवार को आरोपियों से खतरा बना हुआ है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिस्तौल की नोक पर किशोरियों की जिंदगी खराब करने वाले बदमाशों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है।